Sir, this is a surprise for you. Huh? Wherein we want you to knock on the box. Sir, if you just knock on the box, it's a secret gift for secret superstar. मैं सीधा था आप सुबह सर हो अरे बोली अरे 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 बस आपसे सीखता हूँ सर चोरी छुपे बुरा तो नहीं लगता है नहीं नॉट एट ऑल आई एंजॉय इट आपको प्रॉब्लम होती होगी हर हर दफा मैं अलग लगता हूँ नहीं ये सबसे बड़ी बात नहीं हुए नहीं मोटे भी हुए थे अलग 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 थे उसमें थैंक यू एक्चुअली क्या है कि सर एक्चुअली ऐसा है कि आप जब कुछ नया कुछ करते हो तो मुझे भी मौका मिलता है करने का वैसे मैं बहुत आलसी इंसान हूँ लेकिन आपकी वजह से मैं थोड़ा मेहनती हो गया हेलो हाँ इसका आ रहा है तो कैसा लगा सर कैसे लगा बहुत अमेजिंग था बहुत बढ़िया था और मैंने जो माइनस पॉइंट सोचे थे कि मुझे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि भाई नकल क्यों करते हो और फैन हो तो नकल क्यों करते हो और मैंने थोड़ी बोला था नकल करने के लिए ये जो मैंने नेगेटिव सोचा था वो पॉजिटिव हो गया उन्होंने आपको देखा उन्होंने आपको यहाँ पर देखा उन्होंने आपको यूट्यूब पे देखा भी है ना यस 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 उन्होंने ये बात मुझे बोला कि आपको देखा मैंने यूट्यूब पे तो मुझे बहुत खुशी हुई बोले चलो भाई कोई मेरा भी खबर रखता है मैं तो आपका बहुत खबर रखता हूँ लेकिन आप थोड़ा बहुत खबर मेरा भी रखते हैं आप तो अच्छी बात है आप पहले जर्नी की बात कर रहे थे तो आपके घर वाले क्या कहते हैं आपके इस मतलब यू नो इस मतलब उनके लिए पागलपन है उनके लिए एंटरटेनमेंट है जी एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी मेरे गाने बहुत पसंद करते थे मैं सिंगिंग जब भी करता था तो एक आध बार मेरे शो में गए थे तो मुझे काफी तारीफ किए थे और मेरी मम्मी को खास कुछ नहीं बस मेरी मम्मी को ये था कि बेटा कमा खा के कम से कम लायक बन जाए कुछ ना कुछ कर ले और खा पी के जिंदा रह ले बस यही काफी है और उसके बाद फिर तो मेरे जो बहन वहन है वो लोग तो मेरे बारे में जानते ही है लेकिन वो लोग को खास मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेकिन एक बात है कि मैं जब भी मेरे मतलब शोज करने जाता हूँ भगवान की दुआ से आज तक तो पब्लिक मुझसे जबरदस्त खुश होती है मतलब पब्लिक मेरा बिल्कुल मतलब पब्लिक ऐसा है कि पब्लिक जैसे मेरा पैसा है मेरा मनी है और पब्लिक ही मेरे लिए सब कुछ है पब्लिक मुझे बहुत पसंद करते हैं बहुत तालियां बजाते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं पब्लिक मुझे हमेशा तो आमिर खान ने ही मतलब एक तरीके से आपको एक जिंदगी दी है इन अ वे कि मतलब यू नो क्योंकि वो इतने बड़े स्टार है क्योंकि आप मतलब उनको यस यस एक्चुअली क्या है ये बात आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि मैं पहले एक सिंगर था और मैं किशोर कुमार की आवाज में गाना गाता हूँ अभी थोड़ा सा नमूना आपको बता रहा हूँ ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा गिड़ रही ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता ये मैं किशोर कुमार बनके यहाँ आया था और उस टाइम पे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे किशोर कुमार हैं और जिसकी वजह से मुझे काफी कंपटीशन झेलनी पड़ी और मुझे काम नहीं मिले और मैंने और फिर काम नहीं मिले तो मैंने कभी शोज किया कभी होटल पे गाने गाए तो इस तरह से मेरी जिंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी और आज भी है उसके बाद फिर अचानक से मुझे जैसे कि आमिर खान बनने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आज है उसके बाद फिर थोड़ा धीरे 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 करके मैं मतलब लोगों से पहचान लोग मुझे जानने लगे पहचानने लगे और कुछ काम मिलने लगे
और उसके बाद फिर आमिर खान बनके फिर जाता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे सब काम करता हूँ, गाना भी गाता हूँ करीबन 10-15 सिंगरों की आवाज में, और स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। सुपर, लास्ट आमिर खान के लिए एक बस मैसेज, थैंक यू मैसेज टू आमिर खान एंड रेडियो सिटी। और रेडियो सिटी और आमिर खान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके वजह से आज जो एक मतलब पहले मैंने सेल्फी के लिए बोला तो आमिर जी ने सेल्फी तो दिया ही, फिर बाद में जब ये आमिर खान ने देखा कि मैं ऐसे आंखें निकाला तो उन्होंने भी अपना चश्मा उतार के दोबारा सेल्फी लिया मुझसे, उन्होंने भी आंखें ऐसे दिखाया, तो ये मुझे ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा और बहुत याराना जैसा लगा। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई जैसे कि मैं बहुत डर गया था आमिर खान के बारे में, भले मिस्टर परफेक्शनिस्ट है पता नहीं क्या सोचे क्या करे क्या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही कूल माइंडेड इंसान था और बहुत ही अच्छा इंसान था, और मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे इंसान का मेरे मतलब मेरे से कांटेक्ट हो गया आप लोगों के जरिए से, तो हो सकता है कि आगे चल के मुझे बहुत फायदा हो, और इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।